ये है वक्त मीडिया। नगर पंचायत लावड़ मेरठ के जेरे एहतमाम 8 सितंबर 2023 को ऐतिहासिक मेला रक्षाबंधन के मौके पर लावड़ के गिरीन वैली पंडाल में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे की सदारत सहारनपुर की अदब नवाज शख्सियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान साहब ने की। उस्ताद शायर शाहिद हसन शाहिद की सरपरस्ती में मुनक्किद इस यादगार और तारीखी मुशायरे के मेजबान रहे अदब नवाज शख्सियत हाजी शकील कुरेशी साहब चेयरमैन पति लावड़। कन्वीनर मुशायरा रहे खूबसूरत अदब नवाज और हर दिल अजीज शख्सियत जनाब कमाल कुरेशी साहब। इस शानदार मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा जनाब रियाज सागर साहब ने, जिन्हें बेहतरीन निजामत के लिए अवार्ड शॉल और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। नफरत को खत्म करने की बातें हो गई, आज के इस खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। और मैं निशान के साथ कि अमीर शहर को तलवार करने वाला हूँ, मैं जुगनुओं को अलमदार करने वाला हूँ। और कहो अंधेरों से दामन समेट ले अपना, मैं जुगनुओं को अलमदार करने वाला हूँ। जुगनुओं को अलमदार करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे छोटे से जुगनू से जो अंधेरी रात का अंधकार पूरी तरह खत्म करने वाला है, जिसने अपने खूबसूरत कलाम और दिलनशीन तरन्नुम का जादू जग बहुत तेजी के साथ हमारे मुशायरों में न सिर्फ अपनी पहचान कायम की है बल्कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा शोहरत हासिल की है। सोशल मीडिया का सुपरस्टार, जिसकी फैन फॉलोइंग हजारों में नहीं लाखों में है। विधायक जी से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चे को सुनकर यहाँ चले गए क्या? एक छोटा बच्चा है, उसके आप हौसला अफजाई करेंगे और एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें वकार फराजी का, पिछले साल भी आपकी मोहब्बतें लूट कर ले गए। यही है वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हजरात, में वकार फराजी हसनपुरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए हजरात, टाइम बहुत कम है, मुख्तसर सा टाइम है और हाजिर करता हूँ मेरे मोहतरम जनाब रियाज सागर साहब यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं और प्रधान जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। विधायक जी का भी और चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दावत पर मैं आज हाजिर हुआ हूँ। और दोस्तों मैं सीधे सीधे चंद अशार पेश करता हूँ। देखिए आपके हिंदुस्तान का सबसे छोटा शायर हूँ, मुझसे छोटा कोई शायर नहीं है। इतनी मोहब्बतों से नवाज दीजिए मुझे कि जहाँ पर भी मैं पढ़ने जाऊँ तो यही कहें ये वो बच्चा है जो लावड़ से फेमस हुआ है। हाजिर करता हूँ, मुलायदा फरमाए, इजाजत चाहता हूँ। सीधे सीधे एक मेरी गजल है, उसे हाजिर करता हूँ। मेरे कुछ चाहने वाले मेरे भाई, उन्होंने कहा था भाई गुफ्तगू कम यार, सीधे शेर पढ़ो, मना किया था ना। सोचता हूँ तुझे बहुत शुक्रिया। सोचता हूँ तुझे सोचना छोड़ दूँ, सोचता हूँ तुझे सोचना छोड़ दूँ, सोचता हूँ तुझे सोचना छोड़ दूँ, तेरी तस्वीर को देखना छोड़ दूँ। विधायक सबसे मोटा लिफाफा तुझे देंगे। बहुत शुक्रिया, आदर करता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है कि सोचता हूँ तुझे सोचना छोड़ दूँ, तेरी तस्वीर अब तुझे याद करने से क्या फायदा,
अब तुझे याद करने से क्या फायदा, अब तुझे याद करने से क्या फायदा, खुदा से तुझे मांगना छोड़ दूं, क्या खुदा देखिए। बहुत शुक्रिया मेरे नौजवान भाई को, हाजिर करता हूँ। कब भाई पूरा बुरा तुम्हारे सामने लगा हुआ है। क्या कह रहा है? मोबाइल निकालो। मैं भाई ये भी गला ही है, मैं छोटा था। इससे ज्यादा आवाज क्या निकलवाओगे? अरे बच्चा ही तो है। इससे ज्यादा तो इमरान के काम पर इतनी नहीं निकलती है। इस कदर बेरुखी भी मुनासिब नहीं, तुमको मेरी तरफ देखना चाहिए। और ये वाला शेर खास तौर से समझ जाइए आप, के बात करने का जिसमें सलीका ना हो, बात करने का जिसमें सलीका Look.
जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है यार। पिछली बार मैं लावण में आया था, मोहब्बत डबल कर दी आपने। हाजिर करता हूँ आपको, पिछली बार का भी मैं। अरे पेमेंट में डबल हो जाएगा, चिंता ना करना। आमीन, तुम आमीन बोलिए। देखिए मेरे नौजवान भी यहाँ शिरकत फरमा है, और मेरे पूर्व नौजवान चचा बहुत दाद दे रहे हैं मुझे, लगा हुआ है दिल टूटे हुए। अरे बेटा, ये पूर्व नौजवान नहीं है, ये अहद पीढ़ी में हर एक बात नहीं होती है, इश्क करने की सही उम्र यही होती है। हकीकत बात है, अभी तो बच्चा है, मुझे पता नहीं है। आदि करता हूँ, एक गजल और है मेरी थोड़ी सी मशहूर। मेरी फितरत में ही बेवफाई नहीं, ये वाली नहीं, ये सुना सुना देख लेना, मैं हद से गुजर जाऊंगा, देख ले चले गए आप। पर्ची वाली, ये वाली पूरी कर दूं। देख लेना, मैं हद से गुजर जाऊंगा, तू न मुझको मिली तो मैं मर जाऊंगा। हो मुबारक ये शादी का जोड़ा तुझे, हो हो गए हो गए और ये दो शेर इनके और। खौफ दुनिया से मुझको न वो छोड़ दे, खौफ दुनिया से मुझको न वो छोड़ दे, खौफ दुनिया से मुझ अगर किसी को वकार को पैसे देने हैं तो मुशायरे के स्टेज पर नहीं, उसकी सीट पर जाके दे, इतनी मोहब्बत लुटानी है तो अलग से दे दे। फैसला कुछ
तकदीर का फैसला कुछ तो कर मेरी तकदीर का। फैसला कुछ तो कर मेरी तकदीर का, मेरा हो जाया मेरा भरम तोड़ दे, मेरा हो जाया मेरा भरम तोड़ दे। जिंदाबाद भाई वकार फराजी, जिंदाबाद। दोस्तों भाई बहुत बड़े बड़े शायर हैं, अगर जरूरत होगी दूसरे दौर में पढ़वा देंगे। आप भरपूर मोहब्बतों से नवाजा और इस मोहल्ले में तो बहुत ही मोहब्बतें लुटाई। मैं खास तौर से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे स्टेज पर राव बाबर साहब, मूसा कुरैशी साहब, आशिक अली साहब, कुंवर मोहम्मद अली खान साहब चेयरमैन, हाजी अकरम चेयरमैन साहब तशरीफ रखते हैं, जीशान कुरैशी साहब, हाजी परवेज साहब, और मेरे सामने अजराना से खुर्शीद भाई, डॉक्टर इकबाल साहब, असलम बाबा साहब, असद गुलजार साहब। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर दराज से इस मुशायरे को वकार बख्शने के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं इस खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाता। तो ये था जिला मेरठ के लावड़ में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। और ये है दिल खैराबादी साहब, जिन्होंने आज ये कहा कि जब राहत इंदौरी जो है आखिर में पढ़ते थे मक्ता होते थे, और आज ये भी मक्ता हो गया है ना। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ यह मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्दी ये पूरा मुशायरा आप हमारे यूट्यूब चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करें तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए लावड़ जिला मेरठ से।